आपको अमर ज्योति आरंभ करने का विचार कैसे आया? 1965 में मेरे भाई का मोटरसाइकिल पर जाते हुए ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ और उसका एक पैर काटना पड़ा। उस समय 1965 का भारत पाक युद्ध चल रहा था, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। उनके इलाज और पुनर्वास की सुविधाएं बहुत ही कम थी। मैंने कई शहरों में पुनर्वास केंद्र देखे और विकलांगों के प्रति लोगों की अजीब दृष्टिकोण को समझा। उसी समय हुई कि अपने देश की परिस्थितियों के अनुकूल ऐसी संस्था आरंभ की जानी चाहिए, जहां विकलांग व्यक्तियों को एक ही स्थान पर समेकित शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जा सके, जिससे उन्हें आगे। हमने यह संस्था अस्थि विकलांगता वाले ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड बच्चों से आरंभ की थी, पर आज यह दृष्टि बाधित, सीमित बुद्धि वाले, श्रवण बाधित, सीखने की समस्या वाले, बोली और संचार समस्याओं वाले और स्वास्थ्य समस्याओं वाले सभी तरह के बच्चे हैं। 1984 में हमें जमीन मिल गई और हमने अपनी बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। धीरे धीरे काम होता रहा और आज एक प्रतिष्ठित आत्मनिर्भर संस्था के रूप में अमर ज्योति आपके सामने है। हमारी संस्था की एक शाखा ग्वालियर में भी है। अमर ज्योति कुल कितने बच्चों को शिक्षित कर रहा है? दिल्ली में 450 और ग्वालियर में 250 छात्र हमसे जुड़े हैं। यहाँ कंप्यूटर ट्रेनिंग, ई लर्निंग, स्पोकन इंग्लिश, फैशन डिजाइनिंग, गहने बनाना, बेकरी, बिजली का काम, जूट बैग बनाना जैसे कार्य सिखाए जाते हैं, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सके। पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक शिक्षा के अतिरिक्त यहाँ के बच्चों की और क्या क्या गतिविधियाँ हैं? हमारे बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रमों और खेल कूद में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। शहर के कई उत्सवों में इन बच्चों की पूरी भागीदारी होती है। पहिए वाले कुर्सी, व्हील चेयर पर बैठकर की गई इन बच्चों की नृत्य प्रस्तुति को तो विदेशों में भी सराहा गया है। इन बच्चों से हम क्या सीख सकते हैं? इन बच्चों की मुस्कराहट और आत्मसंतोष की भावना हमें विषम परिस्थितियों में भी हंसते रहना सिखाती है। समाज से आप क्या अपेक्षा करती हैं? सर्वप्रथम तो मैं यही चाहती हूँ कि ये बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़े और इस कार्य को समाज अपना कर्तव्य समझे। कुछ ऐसा विशेष जो आप हमें बताना चाहेंगी? जरूर। 26 जनवरी 1995 की परेड में इन बच्चों ने एक ट्रेलर पर भांगड़ा नृत्य प्रस्तुत करते हुए अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। उसके बाद से ये कई बार परेड का हिस्सा बने। वर्ष 2000 में हम बच्चों को प्राग में आयोजित एबिलंपिक्स में लेकर गए। वर्ष 2003 में भारत में भी एबिलंपिक्स का आयोजन किया गया। अभी तक हुए 7 एबिलंपिक्स में हमारे देश में आयोजित प्रतियोगिता को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अमर ज्योति के बच्चों ने सन 2006 में एक सांस्कृतिक वर्ल्ड टूर के दौरान हाउस ऑफ कॉमन्स, लंदन, वर्ल्ड बैंक, वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, फ्लोरिडा, ह्यूस्टन, सिएटल, यूएस और टोरंटो कनाडा में ग्लिम्सेस ऑफ एपिक्स नाम का सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किया। महाभारत और कृष्ण लीला पर आधारित इस कार्यक्रम की हर जगह सराहना हुई। अक्टूबर 2010 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह में भी हमारे छात्रों ने भाग लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।